आज़ादी को आप जिस चश्मे से देखोगे उस तरह दिखाई देगी। अगर आज हम अगर ये देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी मौजूदा मतलब जो टीम है उसके चलते हम जो संस्कार केंद्र है उसको चला सकते थे, लेकिन वो नहीं चला रहे हैं, यानी कि सत्ता का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। बाबा साहब ने तो जब घटना समर्पित की थी देश को तो कहा था कि घटना है कानून है दुधारी तलवार है, अगर इस्तेमाल करना ना आए तो आपको भी उसका खतरा हो सकता है। तो जैसे राज्यकर्ता जिम्मेवार है वैसे राज्यकर्ता को चुन के देने वाले जो वोटर्स है वो भी जिम्मेवार है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध हक है, लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद दूसरे ही दिन यानी 16 अगस्त 1947 को अन्नाभाऊ साठे ने आज़ाद मैदान में बहुत कामगार बस्ती में बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यानी कि आज भी वो जनता भूखी है, आज भी जनता को रोटी वहाँ पर नहीं मिल रही है। यानी कि हम इस स्वराज्य को आज हम इस लोकतंत्र को जिस चश्मे से देखेंगे उस तरह दिखाई देगा, लेकिन आज भी समय बीता नहीं है। हमें लिटरेसी लेवल बढ़ानी चाहिए, संस्कार केंद्र बनाने चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। मैंने कल एबीपी माजा पे एक देऊल गाँवकर जो है उनका मैंने देखा कि पर्यावरण के बारे में वो बोल रहे थे। पर्यावरण के बारे में तो हमने बहुत पहले शुरुआत की थी, क्या उसकी खबर किसी ने छापी है? क्या कभी प्रशासन को राज्यकर्ता को कभी लगा है कि ये कितना बड़ा जंगल निर्माण हुआ है, इसकी खोज हो, उसका पुरस्कार किया जाए? वो कभी नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि जहां पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का काम करती है लेकिन शिक्षा क्षेत्र उससे भी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का काम कर सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर निर्माण ही ना हो तो ये जो क्षेत्र है जिसमें परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हो, उसमें बदलाव आए, और जो लोग सरकारी बाबू अब क्योंकि सरकारी नौकरियाँ धीरे धीरे कम की जा रही, कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद में लोग अपना अधिकार तो पा लेते हैं लेकिन कर्तव्य की भावना जो है वो भूल जाते हैं। तो उस कर्तव्य को उनको याद दिलाना होगा। और आज़ादी तो आज़ादी है ही है, आप पारतंत्र में थे तब भी आज़ाद थे, लोकतंत्र में तब भी आज़ाद है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको घूमने फिरने मिल रहा है, कहीं जाने मिल रहा है, खाने पीने मिल रहा है, वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी ये है कि समान शिक्षा का अधिकार मिलने से जो आज़ादी रंग लाएगी वो रंग अभी बाकी है, उस रंग के बारे में हमें सोचना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।